राष्ट्रीय अधिवेशन नृत्य महोत्सव के मंच में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के राजनीतिक बयान को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि हर साल धान खरीदी होती है, ये कोई नई बात नहीं है। हमारी कोशिश है कि बाहर से आ रहे अवैध धान पर रोक लगे। सरकार के खजाने का उपयोग छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए ही किया जाए। बिचौलिए कोचियों के लिए पैसा नहीं है। जो लोग भ्रष्टाचार करते थे उन पर अंकुश लगा है। बता दें कि शनिवार को आदिवासी नृत्य महोत्सव के मंच से नेता प्रतिपक्ष ने नृत्य महोत्सव की सार्थकता पर सवाल उठाते हुए कहा था कि आदिवासी अपने धान को बेचने के लिए चक्का जाम कर रहा है। नृत्य महोत्सव चल रहा है लेकिन आदिवासी धान नहीं बेच पा रहे हैं। तो ज्ञापन जो दिए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लेटर पे मिली, क्योंकि किसानों ने आंदोलन नहीं किया और व्यवस्था निरंतर चल रही है और हर साल खरीदी होती, कोई नई बात है नहीं। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि जो बाहर के जो धान आ रहे हैं वो रुके। दूसरा, ये छत्तीसगढ़ के सरकार के खजाने की जो पैसा है वो छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए है। ईमानदार जो मेहनत कश लोग हैं उनके लिए पैसा है। ये बिचौलिया है, कोचिया है, कमीशन खोर है, इनके लिए नहीं है।